told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने DIYs। तो ये हमारे पास मेक्रेम का थ्रेड है और ये है हमारे पास एक MDF बोर्ड जिसके ऊपर हमने ग्लू को अप्लाई किया है और इस मेक्रेम थ्रेड को हम इस तरह से राउंड राउंड करते हुए सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर का आप पहले ही एक मेजरमेंट ले लीजिए और सिर्फ सेंटर से ही आपको उसे स्टार्ट करना है ताकि वो हमारा पूरा पूरा सर्कल पर कवर हो जाए। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा सारा गार्डन जो DIY आइडियाज़ होते हैं, गार्डन को हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें घर पर कैसे बना सकते हैं अपने गार्डन के लिए, उसी पर है। तो सबसे पहला जो हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है बहुत ही प्यारा सा एक वॉल डेकोर हमारे गार्डन के लिए। तो उसके लिए हमने मैक्रम थ्रेड को इस तरह से पूरा MDF बोर्ड पर पेस्ट कर दिया है। MDF बोर्ड और मेक्रम थ्रेड आप Amazon या Flipkart से ले सकते हैं। ये 12 इंचज़ का बोर्ड है और हमारा पूरा का पूरा मेक्रम थ्रेड लग चुका है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसमें क्रिएट हो चुका है। अब बारी है इस पर ड्राइंग करने की। तो हम गार्डन के लिए बना रहे हैं इसीलिए हम प्यारे प्यारे से लीव्स बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे और छोटी छोटी सी बर्डीज बनाएंगे। ड्राइंग आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं और आप चाहे पेन पेंसिल किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ, आप चाहें तो ट्रेस भी कर सकते हैं। ये ड्राइंग मैंने पिंटरेस्ट से ली थी और आप अपनी चॉइस की ड्राइंग इस पर बनाइएगा। आप बर्डीज बना सकते हैं, ट्रीज बना सकते हैं, लीव्स बना सकते हैं या कोई भी अच्छा सा आप कोड लिख सकते हैं, जो कि मैं भी इस पर बॉटम में लिखने वाली हूँ। तो चलिए अपना कोड भी लिख लेते हैं। काफ़ी अच्छा सा आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, कैलीग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह का एक और मैंने पेंटिंग, एक आर्ट वर्क आपको पहले भी बना के दिखाया था अपनी वॉल डेकोर के लिए, जिसमें मैंने मधुमनी पेंटिंग बनाई थी। आई होप आपको वो भी बहुत अच्छा लगा होगा। उसी थीम से हम यहाँ पर अपने गार्डन के लिए भी कुछ अच्छा सा आर्ट वर्क बना सकते हैं। हमारी ड्राइंग कम्प्लीट हो गई है, ये देखिए। और अब हम स्टार्ट कर देते हैं कलरिंग। कलरिंग के लिए मैं चॉक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो एक्रेलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कलर्स आप बहुत प्यारे प्यारे इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पिंक कलर का एक बर्ड बनाया और दूसरी बर्ड मैं बनाने वाली हूँ ब्लू कलर में। और इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशंस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका आर्टवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो फटाफट से इसमें कलर कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने बर्डीज़ में कलर कर दिया है और अब हम ग्रीन कलर अप्लाई कर रहे हैं लीव्स पर। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ रोजेस, या फिर आप यहाँ पर कोई भी 5 पेटल 6 पेटल के फ्लावर्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर के फ्लावर्स बनाऊंगी और इसके बाद आपको ब्लैक कलर का यूज़ करके आउटलाइनिंग करनी है। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कलर अप्लाई करना होगा क्योंकि थ्रेड है और थ्रेड काफ़ी कलर सोख लेता है। तो चलिए ये देखिए, हमारी लीव्स कंप्लीट हो गई हैं। अब बारी है फ्लावर्स को कलर करने की। फटाफट से फ्लावर्स को भी कलर कर लेते हैं। आप इस पेंटिंग को बनाते हुए बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि ये पेंटिंग हमारी नेचर से रिलेटेड है और बहुत क्यूट भी है। इसे आप अपने गार्डन एरिया में जब भी लगाएंगे तो सबका ध्यान भी इसकी तरफ जाएगा और आपका भी। तो चलिए, हमने हार्ट भी बना लिए हैं। बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग देने वाली ये पेंटिंग है। इसी तरह के कोट्स आप डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं इंस्टा या फिर पिंटरेस्ट से और उन्हें अपने आर्टवर्क में ऐड कर सकते हैं। अभी सब कुछ जो कलरफुल वर्क था वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी ब्लैक कलर का यूज़ करके सारी आउटलाइनिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर सिर्फ दो कलर के कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, एक एक्रेलिक और चॉक पेंट, दोनों ही इस पर ठीक लगेंगे। और उसके बाद आपको सब कलर्स जब आपके हो जाएं इसमें, उसके बाद आपको इस पर वार्निश अप्लाई करनी है ताकि आपकी पेंटिंग ख़राब ना हो और अच्छी सी शाइन आ जाए इसमें। तो चलिए ये काम भी फटाफट से कर लेते हैं। आप चाहें तो ब्लैक की जगह पर आप रेड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, ब्राउन का यूज़ भी कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, हमारा आर्टवर्क गार्डन के लिए बनके रेडी हो गया है और ये बहुत प्यारा बना है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। इसे आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं या गार्डन एरिया में हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपनी एक बालकनी की वॉल को डेकोरेट किया है और मैं इस पर ही से लगाने वाली हूँ। एंड में मैं आपको पूरा अपनी बालकनी का लुक दूंगी, गार्डन एरिया का, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपना DIY स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने दो कूलर लिए हैं और उनमें मैंने होल कर दिया है और वाइट कलर का बेस पेंट कर दिया है ताकि जो भी कलर हम इस पर अप्लाई करें उसकी शाइन बहुत अच्छे से आ जाए। अब मैं अप्लाई करूंगी इसमें डिफरेंट कलर्स, रेड से स्टार्ट कर रही हूं और यहां पर भी मैं चॉक पेंट्स का यूज़ कर रही हूं। इसमें मैं बहुत ही अच्छा सा थीम इसमें लेने वाली हूं, रेनबो थीम है हमारे पास। मैं रेनबो जैसे कलर तो नहीं करूंगी, बट मैं डिफरेंट कलर्स इसमें अप्लाई करूंगी। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेड कलर अप्लाई किया है और दोनों कुल्हड़ों को मैं सेम तरह से ही बनाने वाली। रेड कलर के बाद हम लोग दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। आप अपनी चॉइस के कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है। और इसी तरह से हम लाइन वाइज एक एक स्ट्रिप डिफरेंट कलर्स की लेते रहेंगे, बट आपको सेम कलर्स दोनों पर अप्लाई करने हैं। वैसे तो आप अपनी चॉइस का डिज़ाइन भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, हमने काफ़ी सारे कलर्स कर दिए हैं। अब लास्ट में मैं इसको येलो कलर से फिनिश करने वाली हूँ। ये सब कलर्स मैंने समर्स के हिसाब से लिए हैं, सारे कूल कलर्स हैं। और ये देखिए, दोनों कूलर हमारे कलर हो गए हैं। अब मैंने लिया है एक रिंग, ये आपको डिफरेंट साइज़ में मिल जाता है। हम लोग ड्रीम कैचेस बनाते हैं इस रिंग से, अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंगल का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर ग्रीन टेप लगा दिया है यहाँ पर। अगर आपके पास ये ग्रीन टेप भी नहीं है तो आप इस पर ऊन का धागा लगा सकते हैं, या कोई भी कपड़ा हो आपके पास, मैक्रम का ही थ्रेड हो तो आप वो भी इस पर रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से हम रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद हम इस पर कुछ डेकोरेशंस करेंगे और वो जो भी चीज़ें आपके पास घर पर अवेलेबल हैं आप उससे कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास कुछ पोलंस पड़े हैं और एक बर्डी पड़ी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पोलंस लगा लेते हैं। अगर आपके पास छोटी छोटी बेल्स हैं या कोई भी डेकोरेशन का मटेरियल है, बीड्स पड़ी हैं, तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ग्रास लगा सकते हैं आप, आर्टिफिशियल लीव्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पोलंस का यूज़ किया है। और यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी बर्ड है जो मैंने क्राफ्ट शॉप से परचेज़ की थी, वो मैं सेंटर में लगा दूंगी बिकॉज़ हम इसको गार्डन के लिए बना रहे हैं। तो चलिए अब इसको हैंग करने का काम ख़त्म कर लेते हैं। उसके लिए मुझे कुछ वुडन बीड्स चाहिए और एक रोप चाहिए। तो ये रोप भी मैंने क्राफ्ट शॉप से परचेज़ की थी। और अगर आपके पास इस तरह की रोप नहीं है तो आप किसी भी वूल के धागे का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसे रिंग पर टाई कर दिया है और उसके बाद मेरे पास कुछ वुडन बीड्स हैं, उससे मैं इसे पिरो लूँगी। इसी तरह से आप अपने वुडन बीड्स को इसके अंदर डालते रहेंगे। और डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ मैं, आप सेम कलर का यूज़ कर सकते हैं, मोती डाल सकते हैं, या आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो। तो चलिए अब अपना कूलर यहाँ पर लगा लेते हैं। आपको नीचे एमसील या कोई चीज़ लगानी पड़ेगी ताकि ये नीचे की तरफ फॉल ना हो, और ऊपर भी हम बीड्स डाल लेते हैं। मैंने कूलर के अंदर थोड़ा सा ग्लूगन लगा दिया है ताकि ये हिले ना थ्रेड बिल्कुल भी। और इसी तरह से आगे पिरोते हुए हम लोग दूसरा कूलर भी लगा लेंगे। और इसी तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा और घर पे बना हुआ एक वॉल हैंगिंग, या आप कोई भी हैंगिंग जो कूलर से हम लोग बनाते हैं, वो रेडी हो जाएगा। आपने देखा बहुत इजी था इसे बनाना और इसको बनाते हुए मज़ा भी बहुत आया। काफ़ी कलरफुल है ये।
और ये हमारा एक हैंगिंग बन के रेडी हो गया है हमारे गार्डन के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। अगले में मैं यूज़ करने वाली हूँ बड़े वाले कुल्हड़, जो एक हमारा पॉट का काम करेंगे, एक प्लांटर का काम करेंगे। उसको भी मैंने सबसे पहले वाइट कलर से पेंट कर दिया है एंड नाउ आई एम यूजिंग येलो पेंट। आप अपनी चॉइस के कलर्स ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग बनाने वाले हैं जिसमें प्लांटर्स लग के बहुत प्यारे लगेंगे। तो चलिए फटाफट सबसे पहले इनको कलर कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं कूल कलर्स का ही यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा येलो पेंट हो गया है और नेक्स्ट पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का पेंट। बहुत ही लाइट और बहुत ही प्यारा सा कलर है और ये हमारे चॉक पेंट में बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हमें मिल जाते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, आप ईस्टी वीस्टी से भी परचेज़ कर सकते हैं। ग्रीन के साथ मैंने रेड का कॉम्बिनेशन लिया है। इसे आप वाटरमेलन का लुक भी दे सकते हैं बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिशनल आर्ट इस पर करूँगी। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स मैं इस पर यहाँ पर बनाने वाली हूँ ताकि कुछ एक नया सा लुक आ जाए। इन्हें आप बिल्कुल अपनी चॉइस से सजा सकते हैं, आप इन पर फ्लावर प्रिंट कर सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रिंट बनाने वाली हूँ। आप ड्राइंग में नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो ड्राइंग सभी बहुत अच्छे लगते हैं बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दिया है, तो आप थोड़ा मॉडर्न भी बना सकते हैं और ट्रेडिशनल भी। डिफरेंट कलर्स का यूज़ कीजिए और अपने पॉट को बहुत ही कलरफुल साफ बना सकते हैं जिससे आपके गार्डन में रखे हुए और भी अच्छे लगे और इनमें जब प्लांट्स खिलें तो वो भी आपको एक अलग ही वाइब्रेशंस दें। ये देखिए लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए पिंक कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, आप चाहें तो रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। मैं इसके बाद रेड कलर का यूज़ करूँगी और इसी तरह से हम लोग अपना सेकेंड वाला पॉट भी बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो इसमें ब्लैक या वाइट कलर की आउटलाइनिंग कर सकते हैं, मैं लास्ट में इसमें ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग करूँगी। अभी इसे साइड पे रख देते हैं और दूसरा पॉट ले लेते हैं। इस पर बहुत ही सिंपल सा मैं डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ, ये देखिए इस तरह से, और बहुत इजीली बन जाता है। जिन्हें थोड़ी सी ड्राइंग करने में या कलरिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो भी इसे इजीली बना सकते हैं। इस तरह के पॉट्स आपको कुम्हार के पास जो सड़क के कॉर्नर्स में बैठे होते हैं उनके पास बहुत ही अच्छे से प्राइस पे मिल जाते हैं। ये 5x10 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं और आप इन पर अपनी क्रिएटिविटी करके अपने घर को ईजिली सजा सकते हैं। तो चलिए ये देखिए इस तरह से आप लोग एक डिज़ाइन क्रिएट कर लीजिए और आपके दोनों प्लांटर्स बनके रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स भी बना सकते हैं। चल थोड़ी सी ब्लैक आउटलाइनिंग और हमारे प्लांटर्स बनके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये हैं हमारे प्लांटर्स जो शुरुआत में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं इनको ब्रश धोने के लिए भी यूज़ करती थी और वैसे ही पड़े रहते थे, पर जब मैंने इनको रीयूज़ करना चाहा तो मैंने इनको प्लांटर बना दिया। तो इस तरह से आप भी नई नई चीज़ें बना सकते हैं घर पर ही अपने गार्डन के लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट DIY जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप देख सकते हैं प्लांटर बहुत प्यारे लग रहे हैं और इसी तरह से आप दो की जगह 4, 5, 6 पूरी रेंज बना सकते हैं एक ही डिज़ाइन से। तो चलिए जिस DIY की मैं बात कर रही हूँ वो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी पर मेरे गार्डन में थोड़ी सी आंधी आई और वो नीचे गिर के थोड़ा सा टूट गया, तो उसको मैं रिक्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा हमें उसको एडजस्ट करना होगा। ये मैंने नोट बनाया था, वेलकम नोट और हैंगिंग आप कह सकते हैं,
यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का रोल लिया था मैंने, और कुछ बर्ड्स यहाँ पर मैंने लगाई थी, और ये MDF के बोर्ड्स हैं। आप चाहें तो कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिस पर मैंने वेलकम टू आर निडल लिस्ट लिखा था। तो चलिए इसको मैं अपनी ग्लू गन से पेस्ट कर लेती हूँ। और ये मैंने दोबारा से बना लिया है, जो बर्ड मेरी गिर गई थी उसको भी मैंने दोबारा लगा लिया है। एंड नाउ इट्स रेडी। आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह से सुंदर सुंदर चीज़ें अपने घर पर बनाकर अपने घर को, गार्डन को, किचन को, लिविंग रूम को, बेडरूम को सजा सकते हैं। और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा DIY आइडिया कौन सा लगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।